नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त अली रज़ा और आप देख रहे हैं एफएम गॉड वर्ल्ड। आज जब आए हैं आलम जान बनू बीफ पुलाव पे, जिस तरह कि आपको पता है कि पाकिस्तान के पूरे शहर में बनू बीफ पुलाव बहुत ही अपना नाम बना चुका है, जिसमें ये लोग बहुत ही ज़बरदस्त बीफ यूज़ करते हैं, चावल यूज़ करते हैं और उसके अलावा इनका एक अलग ही टेस्ट है, यानी कि लाहौरी पुलाव क्या, कराची बिरयानी क्या, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। हम आपको ये दिखाएंगे कि यहाँ पर ये पुलाव किस तरह से बनाते हैं और ये पुलाव का टेस्ट क्या है यहाँ पर, और हमारी पूरी यूट्यूब टीम आपको टेस्ट करके भी बताएगी कि इस तरह में कैसे चल रहा है। चले आएँ, ज़रा हम आपको दिखाते हैं, विजिट कराते हैं। ठीक है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का शुक्र है। थोड़ा ऊंचा बोल। तुम्हारा नाम क्या है भाई? फार खान। यार कितने सालों से ये काम कर रहे हो? ये बहुत कम टाइम हो गया इसका। ये इसकी खासियत क्या है कि लाहौरी पर पुलाव ज्यादा मशहूर है, जिस तरह वैसे ये पुलाव या इसका डिफरेंट टेस्ट है? नहीं, ये और टेस्ट है, इसका अपना अलग टेस्ट है। ये कैसे बनाते, कैसे हो आप लोग? ये अपना जायका, हमारा अपना एक और ये जो आप लोग, ये बोनलेस होता है या हड्डियां होती है, किस तरह का होता है? गोश्त तो बताओ, गोश्त के बारे में बताओ हमें। गोश्त हम अपना जमा कर रहे हैं तो साफ साफ अच्छे अच्छे गुट डालना है, ये बाद में हड्डी डालना है। पूरा जो अपना जरा खूबसूरत चेहरा दिखा, अगर हमें दिखाओ ना यार, लोग भी देखेंगे। इतना खूबसूरत चेहरा पठानों का है ये। नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि पठानों की खूबसूरती का राज भी मुझे लगता है कि ये बनू बीफ पुलाव है। तो ये बनू बीफ पुलाव आज हम भी आपको खा के बताते हैं। यार हमें भी खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे? हाँ, आपको खिलाओगे। तो फिर ऐसा है कि हम आपको ऑर्डर भी देते हैं और हम खा के भी बताएंगे नाज़रीन आप लोगों को कि ये किस तरीके से हम लोगों को एंटरटेन करते हैं और किस तरह से अपने कस्टमर को अच्छी चीज़ बना के देते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं? खैरियत? अल्लाह का शुक्र, बस सर आ गए हैं अब आपके पास आलम जान बनो बीफ पुलाव। ये जी यहाँ के सीईओ हैं और आप देखेंगे किस तरह से ये हमें एंटरटेन कर रहे हैं। सर आप हमें बताएं, आप हमें कैसे बिठाएंगे, कैसे खिलाएंगे, जरा बताएं हमारे व्यूअर्स को। हम अपने पास बिठाएंगे इंशाल्लाह, बेहतरीन खाना खिलाएंगे और आप खुद लोगों को बताएंगे कि हम आपको कैसा खाना दे रहे हैं। आप बैठे खाएं, टेस्ट करो लोगों को। सर ये जरा फिर ऑर्डर दें, जरा ऊंची आवाज में, जिस तरह आप ऑर्डर देते होते हैं, जोर से एक किलो वीआईपी बाइक के लिए। और जबरदस्त हो गया। जी अब हम हमारे पास ये टेबल मैन लेकर आ चुका है और अब हम इसको टेस्ट भी करेंगे। और मैं सबसे बड़ी आपको बात बताऊं कि अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो आलम भाई जैसे बने, कि अगर आपके पास एक कस्टमर आता है और आपको एंटरटेन करने के लिए आपसे बैठे हैं, अगर ये चीज़ अच्छी ना हो तो ये खुद भी नहीं खाएंगे। मैं ये टेस्ट इनके पहले इनसे कराऊंगा, फिर आप उन्हें बुक करूँगा। ले सकते आप यूज करें और सबसे पहले ये आप टेस्ट कर सकते। जो नली आपने ये दाल के दी है, इसकी क्या खासियत है? ये खाने के कस्टमर हमारे व्यूअर्स को ये बताए ना कि अगर आपके पास भी कस्टमर आता है तो वो आपके पास क्यों आए, दूसरे को माना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों का जो भी अखबार है आपको बता सकते हैं, रायता दिखाओ यार, रायता दिखाओ।
ये सजावल का दही है, यहाँ के लोग सजावल का दही बहुत पसंद करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ रहता है इसलिए जैसे दिल में सा दही हो रहा था शायद के अंदर मिलता उसके अलावा भी ये बहुत कल्चरी मिल सकता है हम लोग से होम डिलीवरी सर आप बताए नहीं मतलब सर भाई आपको बल्लू बीफ फ्लाई आलम जाम भाई वाला जो है वो किस तरह का लगा आपको यहाँ का टेस्ट? टेस्ट इनका बेहतरीन है, जैसे आप कह रहे थे लाहौर का बीफ ही उन्होंने सारी चीजें भेजी और आपके मजा आ गया। आप खाएंगे तो आप बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। मुबशर आप बताओ आपको कैसा लगा यार ये? नहीं ये देखो कि आप सुबह से ये दो से तीन पतीले फारिग कर चुके हैं और लेकिन उसके बावजूद अभी भी इनके लोग बैठे हुए हैं खाने के लिए, इस बारे में आप क्या कहोगे? ये इनका टेस्ट है, क्वालिटी अच्छी है, बहुत दुकान की, यानी कि अब आप रिकमेंड करते हो लोगों को वो यहाँ पर आ सकते हैं, फैमिली भी आ सकती है यहाँ पर। नाज़रीन ये हमारे छोटे भाई हैं अब्दुर्रहमान साहब, सॉरी बिलाल, और इसके बारे में भी मैं आपको बताता चलूँ, बोलता नहीं है लेकिन मैं आपको बताऊँ कि इसको भी बहुत अच्छा लगा है और ये बड़ी देर से खाता रहा है भूखा बैठ के ना यहाँ पर, तो इसी लिहाज से मैं आपसे जानना चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।